नमस्कार, आज बात करेंगे काउंसलिंग क्या है। बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि काउंसलिंग ना सिर्फ और सिर्फ मेंटल थेरेपी प्रोवाइड करती है या फिर मेंटल अवेयरनेस के लिए होती है या फिर मेंटली जो लोग फिट नहीं है ना उनके लिए होती है। सबके लिए काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग ऐसे नेगेटिव थॉट रखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, बात करते हैं और पूरे पेशेंस के साथ अपने आप के लिए अपना समय निकालते हैं। बहुत ज़रूरी है खुद के लिए समय निकालना। उन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, क्योंकि वो अपना तो भला नहीं चाहेंगे, वो आपका भी भला नहीं होने देंगे। मेरा इस वीडियो के थ्रू यही बताने का पर्पस है कि ज़रूर अपने काउंसलर से मिलिए या फिर उस व्यक्ति से मिलिए कि जो आपको सपोर्ट कर सकता है, जो आपको सजेशन दे सकता है। आप किसी भी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि वो ट्रैक सही है क्योंकि उसे आपने चूज़ किया है, बट उसका रिजल्ट जब आपको गलत मिलता है ना, तो आप वहीं पर ही एक गिल्ट को लेकर काफ़ी सालों तक बैठे रहेंगे। तो बजाय इसके कि आपको लगता है कि एक सजेशन लेने से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो ये स्प्रेड करते हैं कि काउंसलिंग सिर्फ मेंटल लोगों के लिए है या फिर जो मेंटली इल हैं, जिनको कोई समस्या है, जिनको कुछ परेशानी है, उन लोगों के लिए काउंसलिंग है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे काउंसलिंग करती हूँ, काउंसलिंग के हम लोग सेशन लेते हैं, तो मैं ऐसी सिचुएशन भी फेस करती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि हम इसलिए नहीं आते थे कि किसी को पता ना चल जाए कि हम काउंसलिंग ले रहे हैं या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं यही बताने की कोशिश करती हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि किसी को पता चल जाएगा, किसी को पता नहीं चलता। और अगर किसी को पता भी चल जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपके लिए कुछ अच्छा होता है, अगर आपके लिए कुछ सही डायरेक्शंस चूज़ किए गए हैं, कोई अच्छी गाइडेंस आपको मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपको सोचना चाहिए कि उसको क्या पता चलेगा या फिर उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए कितनी पॉजिटिविटी है, कितना आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। आप अपने आप को तंग करते रहते हैं, अपने थॉट्स के साथ फंसे हुए रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उसमें उस सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको अंदर ही अंदर एक डर है कि यार मेरे कलीग को पता चल जाएगा कि मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ या फिर मेरे रिलेटिव को पता चल जाएगा कि मैं काउंसलिंग की सर्विसेज लेता हूँ, तो वो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। ऐसा सोचना है तो उन लोगों को सोचने दीजिए। हमारा काम है, हमें करना है। सभी काउंसलर अपना पूरा एफर्ट देते हैं, पूरी जान देते हैं अपने काम में, अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को सही करने की, सही एक गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ मेंटली जो इल लोग होते हैं, जिनको कोई समस्या होती है दिमागी तौर से, उनके लिए नहीं होती है। काउंसलिंग फिट लोग, हम जैसे लोग जो फिट हैं, या फिर आप कह सकते हैं सभी अपने आप को देखो फिट ही कहते हैं, कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ, कोई भी नहीं कहता। जो बीमार होता है ना, वो भी आजकल अपने आप को ये कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बीमार होने से ना किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। तभी हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं। तो सभी वही लोग जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वही आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सही रास्ता प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कुछ अच्छा हो। बहुत से लोग हैं, मैंने इतनी, आज मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर रही हूँ कि मैंने इतनी काउंसलिंग सेशंस लिए हैं कि मैं यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चे भी बहुत डरते हैं, पेरेंट्स उनके ऊपर ना कंपटीशन थोपते रहते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तुझे आगे बढ़ना चाहिए, तुझे काम करना चाहिए, तुझे पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते हो। वो बच्चा अंदर ही अंदर ना अपने अंदर कुछ बातों को लेके छिपा के रखता है, और जब हम उनसे बात करते हैं, उन बच्चों से, तब हमें पता चलता है, जब वो डिस्क्लोज करते हैं कि ये प्रॉब्लम भी है। काउंसलर को बहुत एफर्ट करना पड़ता है कि कैसे हम किसी की वो परेशानी को ढूंढें, उसका समाधान निकालें, उसको एक अच्छी दिशा दिखाएं। तो उसी केस में मैं बताऊंगी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, वो आपका कभी भी अच्छा नहीं होने देंगे। आपको नेगेटिविटी ना पता चल जाएगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलना आपको बार बार अच्छा लगता है, आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी फैल जाएगी ना कि आपका मन करेगा कि यार मुझे इस बंदे से मिलना है, मुझे इसकी बात सुननी है, इससे मिलना है। आप जाओगे, उससे बात करोगे, चाहे आप उससे फ़ोन पर ही बात कर लो, तो वो होता है पॉजिटिविटी का आपको एक संदेश मिलता है या फिर एक मैसेज मिलता है। उसी केस में जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलते हो ना, तो आप उससे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाओगे,
उसके आसपास इतनी नेगेटिविटी होती है क्योंकि वो खुद भी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव एटमोसफेयर भी स्प्रेड करता रहता है, बनाता रहता है। तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके आपको दूर रहना है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपना भला तो नहीं होने देते हैं, साथ ही साथ जो भी उनके सराउंडिंग्स होते हैं वो उनका भी भला नहीं होने देते हैं। तो अब बात करते हैं ये नेगेटिव लोग होते कौन हैं और कैसे इनसे बचा जाए। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करूंगी। एक सेमिनार हो रहा था और जो उस सेमिनार को होस्ट कर रहा था उसने वहाँ पर मौजूदा जो भी ऑडियंस थे उन सभी से क्वेश्चन पूछे और उसने बोला कि आपको सिर्फ हैंड रेज करना, अपना हाथ खड़ा करना है जो भी मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा। उसने पहला क्वेश्चन पूछा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको कभी किसी शेर ने काटा है? जितने भी लोग वहाँ पे मौजूदा ऑडियंस थे, जितने भी लोग प्रेजेंट थे, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा। तो फिर उसने वापस से अपना दूसरा क्वेश्चन रिपीट किया कि आप बताइए कि क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा। तो इट मीन्स कि किसी को भी हाथी ने नहीं काटा, किसी को भी शेर ने नहीं काटा। वापस से उस होस्ट ने अपना तीसरा क्वेश्चन किया कि अब बताइए कि क्या आपको कभी किसी कुत्ते ने काटा है? तो सिर्फ चुनिंदा कुछ एक आधे लोगों ने, एक या दो लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ उन्हें कुत्ते ने काटा है। अब उस होस्ट ने अपना फोर्थ क्वेश्चन जब सभी के सामने पेश किया, रखा और पूछा कि अब आप मुझे सभी ये बताइए कि क्या आपको किसी मच्छर ने काटा है? तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे सभी ने अपना हाथ खड़ा किया। तो आप ये समझ गए होंगे कि मच्छर से तो आज तक कोई भी नहीं बच सका है, सभी को मच्छर ने काटा है, मुझे भी मच्छर ने काटा है, कोई नहीं बच सकता। आप कितने भी लोशन अप्लाई कर लीजिए, कितनी भी रेमेडीज आप घर में अप्लाई कर लीजिए, लेकिन मच्छर जैसे ना तैसे आँख, जैसे ही हमारी आँख भटकती है या फिर कैसे कहते हैं कि वो काटता ज़रूर है। तो जो उस होस्ट ने ये क्वेश्चन किया वही मेरा आप सभी से क्वेश्चन है। मच्छर इट मीन्स नेगेटिव लोग आपको ज़रूर काटते हैं, इतना काटेंगे ना आपको आगे सक्सेस की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। सक्सेस में मेरा, मैं आपको इसीलिए ये लिंक कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग ना सच में आपको पुल करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, आपको हमेशा ना टोंट करते रहेंगे। अरे तुझे क्या हो गया, अरे तुझे डिप्रेशन है, तुझे एंजाइटी है, इसके लिए कुछ कर, भाग, कहीं जा, अपना ट्रीटमेंट ले। वो खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन वो आपको इतना टोंट करेंगे, इतना पंप करेंगे आपके अंदर कि वो आपको मजबूर कर देंगे ये फील करने में, ये सोचने में कि हाँ आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है। तो मेरा आप सभी से ये एक निवेदन है कि ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे मच्छरों से आपको दूर रहना है और जितना हो सके आपको अपनी लाइफ में ना खुद से डिसीजन लेना है। यहीं पे मैं बात करूंगी कि ज़रूर आपको काउंसलिंग के लिए भी जाना है। आपको काउंसलिंग के लिए इसलिए जाना है क्योंकि आपको अपना पास प्रदर्शन यानी आपको एक राइट डिसीजन, एक सही सजेशन, एक सही गाइडेंस तभी मिल सकती है जब आप आगे बढ़कर कुछ करेंगे। आप अपने एटमोसफेयर से बाहर निकलेंगे, उन नेगेटिव लोगों से बाहर निकलेंगे जो खुद तो नेगेटिव है ही, वो आपको भी एक नेगेटिव एटमोसफेयर में ना बांध करके रखते हैं और कहलाते हैं कि आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके अच्छे रिलेटिव्स हैं, आपके हमसफर हैं, आपका सोचने वाले हैं। तो मैं तो जितना भी मैंने अपना अनुभव लिया है लाइफ में, जितनी भी मैंने काउंसलिंग के सेशन लिए हैं या फिर जितना भी मैं काम करती हूँ, मैं सभी को यही सजेशन देती हूँ क्योंकि जब मैं अपने काउंसलिंग के सेशन लेती हूँ तो कुछ एक आधे ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे थे कि अगर कोई हमें देख लेगा तो वो क्या सोचेगा कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इट मीन्स कि हम किसी मेंटल इलनेस से या फिर किसी दिमागी समस्या से हम गुजर रहे हैं तो इसीलिए हम आए हैं। मैंने उनको एक ही बात समझाई कि थर्ड पर्सन वो नेगेटिव पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट रखता है लाइफ में कि वो सोचेगा और आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। इट मीन्स कि आप उस एटमोसफेयर से बाहर ही नहीं निकलते हो कि मैं, अगर मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं ये सोच के भी उस अच्छे काम को नहीं होने देता कि उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो प्लीज़ ऐसे मच्छरों से बचिए, बाहर निकलिए, जो आपको काम अच्छा लगता है उसको करिए। जिंदगी बहुत छोटी है, मैं अपनी सभी वीडियोज़ में ये बात बोलती हूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी है। कब हम 50s क्रॉस कर जाएंगे ना पता नहीं चलता, कब हमें डिसीज़ एकदम से घेर लेगी पता नहीं चलता। बेड पर पड़े रहेंगे, कोई नहीं हमें हेल्प करेगा, दवाइयाँ दे देंगे, हमारी केयरिंग कर लेंगे, कंसर्न कर लेंगे, थोड़ी सी सांत्वना हमें दे देंगे, लेकिन जो एक
सही एक संपूर्ण फीलिंग मिलती है, जो एक कहते हैं ना कि एक अपनापन मिलता है, वो हमारी खुद की सोच से ही डेवलप होता है। तो अपनी सोच को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, उन सभी मच्छरों से दूर रहिए और काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाया कीजिए। काउंसलिंग के जितने फ़ायदे हैं ना, वो शायद ही उन लोगों को पता है जिन्होंने मुझसे गाइडेंस लिए या फिर जो और काउंसलर से गाइडेंस लेते हैं और अपने जीवन में एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हम कभी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। कितनी भी तरक्की आप हासिल कर लीजिए, कितने भी लाइफ के गोल को सेट कर लीजिए, लेकिन वो गोल तभी आपका क्लियर होगा जब आप उसे करना चाहेंगे। ये नहीं कि आप दूसरों को देख के करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस को देख के अपना एक टारगेट बनाते हैं और सोचते हैं कि यार ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं वो काम कर सकता। उसकी कैपेबिलिटी कुछ और है और आपकी कैपेबिलिटी कुछ और है। तो अपने आप को अपने नज़रिए से देखिए और अपने अंदर वो एक पॉजिटिविटी लेकर आइए जो आपके लिए बनी है। जो कार्य आपके लिए बना है आपको वही करना है, आपको किसी दूसरे को देख के अपने काम को चूज नहीं करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मच्छरों के ऊपर, काउंसलिंग के फायदों के ऊपर आपकी थोड़ी बहुत आपके अंदर कुछ तो पॉजिटिविटी लेकर आई होगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अनुभव आप सभी के सामने लेकर आती रहूँगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।